I have never explicitly talked about T-Series on this channel क्योंकि मेरे को डर था कि जो T-Series को इंडिया मान के सपोर्ट करते हैं ना वो चैनल पे आएंगे और बैकलैश देंगे पर ये बात आज तक किसी से छुपी नहीं है कि T-Series is not a nice company जब T-Series और PewDiePie का सारा ड्रामा चल रहा था तो लोगों ने बहुत T-Series के नाम पे व्यूज सब्सक्राइबर्स ले गए एंड T-Series officially became the most subscribed YouTube channel बट उससे भी ये फैक्ट चेंज तो नहीं हुआ ना कि टी सीरीज एट द एंड ऑफ द डे है एक कंपनी एंड अनसरप्राइजिंगली बॉलीवुड की बहुत बड़ी बहुत पावरफुल कंपनी है एंड अनसरप्राइजिंगली अपने बड़े होने का फायदा भी बहुत अच्छे से उठाते हैं तो केस इन पॉइंट इफ यू डोंट नो ऑलरेडी पति पत्नी और वो जो अभी मूवी आई थी दिसंबर में उसमें एक गाना था जिसमें ऋत्विज के उड़ गए का ट्रैक जो ट्रैक एक्चुअली मूवी से बहुत एक डेढ़ साल से ज्यादा पुराना है उसका एक सैंपल बीट यूज करा गया था एंड ये ऋत्विज को पता चला है जब उसने एक्चुअली जाके मूवी देखी है इंटरनेट पे बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है इसके बारे में एंड आई हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियन एंड आई ऑनेस्टली थिंक इट इज अ डेविड वर्सेस गोलायत बैटल एंड सैडली द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इसकी ऋत्विज ने हार मान ली है इन अ वे आई थिंक आई फील बिकॉज उसको उसके लॉयर्स बोल रहे हैं कि अगर तुम उनसे जाके लड़ोगे तो मे बी तुम्हारा इंडस्ट्री में करियर ही खत्म हो जाए ये तो सुना था कि बॉलीवुड बाहर से गाने कॉपी करता है ये नहीं पता था कि हमारे अपने देश के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को भी नहीं छोड़ता बॉलीवुड सो कुछ समझ अगर नहीं आ रहा हो तो लेट मी एक्सप्लेन मैं बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं दिस वीडियो इज अबाउट कॉपीराइट्स दिस वीडियो इज अबाउट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट जो बड़े लोग चुरा लेते हैं बिना रॉयल्टी करे बिना रिकग्निशन दिए इस वीडियो में कॉपीराइट ऑन यूट्यूब भी डिस्कस करेंगे कॉपीराइट इन जनरल भी डिस्कस करेंगे दिस वीडियो इज ऑल्सो अबाउट कि ये देशभक्ति के नाम पर अपने टी सीरीज को जो इतनी पार दे दी है इट हैज बिकम अ हाउस होल्ड नेम उनके लिटरली इतने सारे चैनल जिसपे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं एंड हाउ टी सीरीज इज एक्चुअली जस्ट पुटिंग बिग using their big bucks, using their big name to push small creators down. यार, दो-दो सेकंड ही क्लिप्स पे कॉपीराइट लगा देते हैं वो। इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये ऋत्विज वाला केस। इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कॉपीराइट से कॉपीराइट क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए एंड इसके वीडियो के फाइनल पार्ट में आई एम गोना गिव यू माय जितनी भी नॉलेज मेरे पास है अबाउट फेयर यूज अबाउट कॉपीराइट अबाउट यूटिंग क्रिएटिव कॉमन्स वो सब मैं तुमको दूंगा एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन टू यू हाउ आई यूज कॉपीराइट फ्री कॉन्टेंट हाउ आई यूज फेयर यूज के अंडर कॉपीराइटेड कॉन्टेंट एंड वॉट यू एज अ क्रिएटर और एज अ यूट्यूबर और एज अ इंस्टाग्राम प्रोफाइल कुछ भी तुम अपने हिसाब से कर सकते हो इस सारे झंझट से बचे रहने के लिए इनफैक्ट इसमें अभी मेरे साथ भी रिसेंटली लास्ट वीक आई थिंक एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसमें थोड़ा एलिमेंट्स ऑफ माई थंबनेल्स ऑफ माई डिजाइन लैंग्वेज किसी क्रिएटर ने यूज करे थे एंड वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो गया था उसको भी डिस्कस करेंगे टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है टाइम स्टैम्प हमारी स्क्रीन पे है टाइम स्टैम्प शायद पिन्ड कमेंट में भी होंगे तो लेट्स जस्ट बिगिन डिस्कसिंग तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कॉपीराइट एक्चुअली होता क्या है अगर तुम गूगल डेफिनेशन सर्च करोगे तो गूगल की डेफिनेशन देखिए आती है बट अ सिंपल द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन टू यू इसकी कॉपीराइट एक ऐसा राइट होता है जो एक ओरिजिनल म्यूजिक मूवी इमेज फोटोग्राफर और बहुत सारी जितनी भी क्रिएटिव लिबर्टीज होती है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से वो राइट तुम्हें दिया जाता है कि तुम इस चीज के क्रिएटर हो तुम्हारे पास इसका एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस है कि तुम इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो इसके ऊपर पैसा कमा सकते हो और इसको यूज कर सकते हो ये जो कॉपीराइट होता है ये ट्रेडिशनली जो आर्टिस्ट होता है उसकी लाइफ टाइम के 20-25 साल होता है डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वीडियो बनाई अगर मैं इसमें कोई कॉपीराइट यूज नहीं करता हूं तो ये मेरा कॉपीराइट होगा ये वीडियो टिल द टाइम आई डाई एंड उसके बाद 20 या 50 या डिपेंडिंग अपॉन तुम किस कंट्री में हो ठीक है समझ गए अब ये स्पेसिफिक टी सीरीज और ऋत्विज वाला केस अभी बहुत फेयरली रीसेंट है बिकॉज दिसंबर में ही मूवी आई है एंड टी सीरीज ने क्या किया टी सीरीज ने एक ऋत्विज का गाना है उड़ गए करके इट्स ऑन यूट्यूब इट्स अ वेरी पॉपुलर इट्स अ वेरी ब्रिलियंट सॉन्ग उसको टी सीरीज ने एक सैम्पल बीट जो उसका कैसे समझाऊं तुम अगर उसकी ड्रॉप बीट कह दो ना कि वो जो सेगमेंट है वो टी सीरीज ने अपनी मूवी में उस सैम्पल बीट को यूज करा बिना ऋत्विज से परमिशन लिए ना उससे रिप्रोडक्शन या रिमिक्स करने का या रिप्राइज करने का लाइसेंस लिए इनफैक्ट ऋत्विज को मूवी में जाके पता चला कि उसका सॉन्ग का सैम्पल यूज हो गया है मूवी में उन्होंने जो लिरिक्स यूज करे थे वो सेम सॉन्ग वाले लिरिक्स थे इनफैक्ट एक स्टोरी है अगर कॉपीराइट नहीं आया होगा तो ये स्टोरी तुम्हें दिख जाएगी पढ़ लेना उसमें लिखा बेसिकली ये है कि ये गाना है सेम बीट्स है सेम लिरिक्स है एंड जो अमेज़न प्राइम पे मूवी रिलीज हुई है उसमें उन्होंने लिरिक्स चेंज कर दिए हैं तो इससे क्या पता चलता है कि टी सीरीज को एज अ जो भी मूवी के प्रोड्यूसर्स थे उनको पता था कि उनकी बीट अल्टीमेटली ऋत्विज के गाने से उठाई हुई है एंड
एज अ टी सीरीज कंपनी, मैं टी सीरीज को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मतलब ब्लेम टी सीरीज के पास ही है, उन्होंने मूवी प्रोड्यूस करी। मैं वो जो टॉप लेवल के लोग हैं, भूषण कुमार, गुलशन कुमार, उनको हो सकता है पता भी ना हो, मूवी के डायरेक्टर को भी पता ना हो, उसका जो म्यूजिक डायरेक्टर है मूवी का, उसको किसी रैंडम आदमी ने आके बोल दिया हो कि ये लो सर एक बहुत ही लाजवाब बीट है, इसको यूज कर लो। उसने उसको बैकग्राउंड चेक वगैरह कुछ नहीं किया एंड किसी ने क्लेम भी नहीं मारा, वो मूवी में बीट रिलीज हो गई एंड मूवी में चली गई, लोगों ने देख ली, किसी को पता नहीं चला। एंड सबसे मजेदार बात यह कि जब ऋत्विज को अब उसके बारे में पता चला, जब उसने एक्चुअली वो अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, ये स्क्रीनशॉट है, पॉज करके पढ़ लो क्योंकि मेरे पे न्यूज देने का समय नहीं है, मैं पढ़ के तो मैं नहीं सुनाऊंगा, तुम बहुत होशियार लोग हो, यू हैव योर ओन माइंड, पढ़ लेना। बट इसका क्रक्स यही था, क्रक्स ये था कि ऋत्विज का गाना कॉपी हो गया, उसको कॉपीराइट नहीं मिला, एंड व्हेन ही ट्राइड टू गो एंड फाइट टी सीरीज, उसको सिर्फ यही मिला कि दे आर टू फकिंग बिग to fight, and if you want to entertain yourself in the industry, अगर तुम्हें करियर बना के रखना है तो let it go, just let it be, भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ। And now let me point out to you कि ये क्यों इतनी बड़ी चीज़ है। In fact, कल जब मैंने इस वीडियो के लिए कम्युनिटी पोस्ट डाला था ना, तो एक बंदे ने, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कमेंट कर दिया कि यार बस गाने की स्टार्टिंग ही तो कॉपी की है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, व्हाट इज द बिग डील कि एक गाने की स्टार्टिंग कॉपी कर ली और इतना हंगामा मचा रहे हो तुम उस पे। यहाँ पे ना ये देशभक्ति वाला एंगल आ जाता है, बिकॉज हम लोगों ने, मतलब हम लोगों में से इंडिया की जनरल पब्लिक ने टी सीरीज को, टी सीरीज वर्सेस पीडीपी के टाइम पे इतनी इज्जत दे दी, इतनी रिस्पेक्ट दे दी कि वाह इंडिया आगे निकल जाएगा। बड़े बड़े क्रिएटर्स ने, कैरी मिलाती ने बोला कि पीडीपी के आगे टी सीरीज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारे हजारों लाखों क्रिएटर्स के व्यूज इस बात पे थे कि टी सीरीज इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। टी सीरीज हैज नॉट ट्राइड टू गेट अवे फ्रॉम इट, उनको लिटरली जीरो फर्क पड़ता है कि उनके यूट्यूब चैनल पे कितने व्यूज हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ऑल दे नो कि दे हैव दिस पोटेंशियली गुड इमेज इन द माइंड ऑफ द पीपल ऑफ द जनरल पब्लिक कि टी सीरीज तो इंडिया सबसे ऊपर है एंड उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड आई नो तुम्हारे दिमाग में भी ये थॉट अभी चल रहा है कि यार थोड़ा सा पार्टी तो कॉपी किया है, उसमें इतनी बड़ी दिक्कत क्या है, अगर उसको नहीं मिला कॉपीराइट तो कम से कम अब लोग जान जाएंगे। दैट इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कमेंट्स आई गॉट ऑन द कम्युनिटी पोस्ट आई पुट यस्टरडे। एंड लेट मी टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज, ऑल दीज बिग म्यूजिक लेबल्स, ऑल दीज बिग मूवी इंडस्ट्रीज, ये मूवी वाले लोग हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज में ना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से ये बीट्स खरीदते हैं, इसको कहते हैं सैंपल। सैंपल इज बेसिकली द मेन बीट ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द बीट जो किसी क्रिएटर ने बनाया होता है, वो सैंपल इज एक्चुअली द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉन्ग फॉर अ म्यूजिक कंपोजर। लिरिसिस की बात अलग है बट म्यूजिक उस सैंपल पे ही बनता है, तो जितनी वैल्यू है ना, क्योंकि अगर तुम उड़ गए जाके अभी भी सुनोगे वो सैंपल ही है जो ज्यादा मेमोरेबल है, सबसे ज्यादा मेमोरेबल, सबसे ज्यादा स्टैंड आउट वो सैंपल ही करता है। बेसिकली गाने की सोल जो होती है, जो सैंपल होता है, उसको टी सीरीज ने उठाया और अपने गाने में डाल दिया और बिना कॉपीराइट बिना वो दिए उसको यूज कर लिया। एंड केस बस यही है, अब तुम ये तो समझ गए हो कि एक्चुअल बैटल क्या चल रही है, टी सीरीज ने चुराया और टी सीरीज ने किसी को क्रेडिट नहीं दिया। एंड अब इसमें देखो हिपोक्रेसी कहाँ आती है, टी सीरीज हैज बीन नोटोरियस फॉर पुटिंग कॉपीराइट क्लेम्स ऑन ऑल क्रिएटर्स, अगर कोई इनका बैकग्राउंड में भी गाना चल रहा हुआ ना तो उस पर भी वो कॉपीराइट क्लेम मार देते हैं, पूरी वीडियो टेकडाउन कर देते हैं। सलील जामदार ने एक वीडियो बनाया था डिस्ट्रैक्ट टी सीरीज के अगेंस्ट, जिसमें उनका म्यूजिक भी नहीं था, उसको भी उन्होंने टेकडाउन कर दिया। सो टी सीरीज एज अ कॉपोरेशन बेसिकली जस्ट पुटिंग डाउन पीपल। एंड अब जो तुम्हें केस और टी सीरीज की जो इमेज है और टी सीरीज क्या करता है वो समझ में आ गया हो, तो लेट मी टेल यू वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड वॉट वी एज अ कम्युनिटी, एज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, एज क्रिएटर कैन डू टू फाइट अ बिग जायंट लाइक टी सीरीज। ऋत्विज ने अपना काम कर दिया, ऋत्विज से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उसने लीगल रेमेडीज भी लेने की कोशिश कर ली, उसने अपने दोस्तों को भी बता दिया, उसने इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दिया, दैट इज वेयर द कम्युनिटी एक्चुअली कम्स इनटू द प्ले। इस स्पेसिफिक केस में आई थिंक इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, इधर Ritviz gets paid and recognized for the beat that he did, or he goes into a legal battle, he might or he might not win, क्योंकि music बहुत subjective होता है, किसी को लगेगा same है, किसी को लगेगा नहीं है, but because knowing the fact कि T-Series ने lyrics change करे from the theater to the movie, knowing the fact कि वो beat almost 95% similar है original beat से, and owing to the fact कि Ritviz is as mainstream as an independent artist can get, तो अगर Ritviz जैसे बंदे की तरह से हो सकता है तो मानो कि हम, तुम और जितने ये random लोग, हजारों लोग जो इंडिया में creators हैं, जो Instagram पे अपनी image बनाने के लिए, YouTube पे आने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, they don't even stand a chance. तो फॉर दिस स्पेसिफिक केस जो तुम और मैं इस केस में Ritviz के लिए कर सकते हैं एंड इन एक्सटेंशन पूरी कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं, वो ये है कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली फ्लड सोशल मीडिया विद टी सीरीज। एंड आई डोंट नो कि मेरा इसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू प्रॉपर राइट इन्फॉर्मेशन। तो अगर तुम वीडियो भी शेयर करते हो, Ritviz की स्टोरी शेयर करते हो, ट्विटर पर टी सीरीज को गालियाँ देते हो कि तुम ऐसे चोरी पंती वाले काम क्यों करते हो, दैट विल
put, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद सागर बढ़ता है. सो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट इम्पैक्ट दैट टॉकिंग अबाउट इट विल डू. बिकॉज अल्टीमेटली इसके हिसाब से इंडिया में कॉपीराइट लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, यूट्यूब पे कॉपीराइट लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड अल्टीमेटली द ओनली थिंग दैट कैन हैपन इज कलेक्टिव सोशल चेंज, कलेक्टिव सोशल प्रेशर ऑन अ बिग कॉर्पोरेशन दैट कैन पुट दिस टू रेस्ट. अब ये तो हो गया स्पेसिफिक रितविज वाला पार्ट. नाउ फॉर व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ्स फ्रॉम दिस एंटायर कंट्रोवर्सी, दिस एंटायर थिंग जो हमारे कम्युनिटी में आगे जाके कॉपीराइट की प्रॉब्लम्स ना दे. लेट मी टेल यू अ रीसेंट थिंग दैट हैपेंड विद मी. अभी मैं YouTube कुछ दिनों ब्राउज कर रहा था, मेरी वीडियोस, फ्यू ऑफ माय वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस डिड रियली वेल, उनके थंबनेल काफी कैची थे, उनका क्लिक थ्रू रेट काफी अच्छा था. एंड व्हाइल आई वाज ब्राउजिंग YouTube, मेरे को कुछ थंबनेल्स दिखे YouTube पे व्हिच वर ऑब्वियसली वेरी सिमिलर टू माय थंबनेल्स. फॉर एग्जांपल ये बंदा है एक, इसने मेरा थंबनेल इस मूवी का क्वाइट सिमिलरली उसने कॉपी कर लिया और इंस्पायर कर लिया, व्हिच आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद, बिकॉज व्हेन आई कॉल्ड हिम आउट ऑन इट, जब मैंने उसकी वीडियो पे कमेंट किया तो उसने ऑफकोर्स उसको मेरे को क्रेडिट दिया. दैट इज हाउ इट शुड बी डन, क्रेडिट देना चाहिए. एक और बंदा है जिसकी थंबनेल वाज इनॉर्मसली सिमिलर टू माय थंबनेल, उसकी वीडियो मैंने कमेंट किया तो कम्युनिटी के कुछ लोगों ने मुझे गालियां दी कि तू क्रेडिट क्यों मांग रहा है, तेरा थोड़ी है. बट व्हेन आई हैड अ चैट विद दैट गाय, ही क्लियर्ड इट आउट एंड ही वाज एक्चुअली सेइंग सबकॉन्शियसली इंस्पायर हो सकता है मेरा कॉन्टेंट. एंड हेयर इज वॉट आई वॉन्ट अस एज क्रिएटर्स टू डू, क्योंकि यूट्यूब पे ना इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू एंड मी टू बी कम्प्लीटली ओरिजिनल. आज की इंटरनेट की एज में कम्प्लीटली ओरिजिनल होना इज मोर देन इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल ही नहीं है. मेरा कोई विजुअल एडिटिंग स्टाइल कहीं से इंस्पायर्ड होगा, सबकॉन्शियसली भी. मान लो तुमने आज से 10 साल पहले एक यूट्यूब वीडियो देखा हो और तुम आज अपनी वीडियो एडिट करने बैठे हो, तुम्हें याद आ गया सबकॉन्शियसली कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, शायद तुम्हारे को एक सबकॉन्शियस इंस्पिरेशन आया और तुमने वो स्टाइल कॉपी कर लिया. तो फिर उसके बाद भी अगर ओरिजिनल क्रिएटर वांट्स एंड कम्स बैक टू टेल यू कि तूने कॉपी किया है, देन यू कांट से कि नहीं मैंने कॉपी नहीं किया है, बट ओरिजिनली ऑफिशियली सबकॉन्शियसली कॉपीराइट लॉ के अंदर तुमने कॉपी किया है एंड यू कैन बी सूट फॉर इट. एंड दैट इज वेयर द एक्चुअल काम करने वाली टिप्स कम इन हैंड. ए, यूज कॉपीराइट फ्री कॉन्टेंट एज मच एज यू कैन. कॉपीराइट फ्री कॉन्टेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत क्वालिटी में अवेलेबल है, काफ़ी आराम से तुम कर सकते हो. तुम गूगल पे इमेज भी सर्च करते हो ना, उसमें भी फिल्टर होते हैं रीयूज विद मॉडिफिकेशन के लिए. यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी है जहाँ से तुम कॉपीराइट फ्री म्यूजिक उठा सकते हो. unsplash.com, pexels.com, स्टॉक फुटेज देने के लिए तुम्हारे पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से तुम फ्री स्टॉक फुटेज उठा सकते हो, फ्री फुटेज उठा सकते हो. देर आर इननम्यूरेबल नंबर ऑफ टेक्स्ट फॉन्ट्स दैट आर फ्री जो तुम यूज़ कर सकते हो. एंड अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू योर क्रिएटिविटी कि तुम ये फ्री रिसोर्सेज जो हैं तुम उसमें अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाते हो. बट इवन इफ दीज रिसोर्सेज लिमिट यू एंड तुम्हें कॉपी करना भी पड़े, कॉपी इज एक्चुअली अ वेरी रॉन्ग वर्ड टू यूज हियर, बट इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन टू इट. इफ यू आर इंस्पायर्ड बाय समवन, इफ यू थिंक इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, देन द लीस्ट यू कैन डू इज गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल क्रिएटर. इससे दो चीज़ें होती हैं. एक इससे चीज़ होती है कि सामने वाले इंसान को पता चलता है कि तुमने यूज़ करा एंड बिकॉज तुमने उसको साइट कर दिया सो ही गेट्स ड्यू क्रेडिट. क्रिएटिव कॉमन्स विच बेसिकली इसके तुम ये सामान यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, उसके अंदर भी ये लॉ होता है कि तुम एट्रीब्यूशन के साथ कर सकते हो. लीस्ट ऑफ ऑल अगर तुम उसको मोनेटाइज भी नहीं कर रहे हो अपने कॉन्टेंट को तो तुम क्रेडिट दे सकते हो, अगर कर रहे हो तो भी क्रेडिट दे सकते हो ताकि ओरिजिनल क्रिएटर के पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन, कुछ रेलेवेंसी जाए. एंड अगेन ये ज्ञान मैं सिर्फ तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, ये ज्ञान मेरे खुद के लिए है. मैंने 240 से 300 के ऊपर वीडियोस बना दी हैं एंड आई कैन अश्योर यू कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने क्रेडिट नहीं दिया है क्रिएटर को. बैकग्राउंड म्यूजिक अगर मैंने कभी रैंडम 5 साल पहले डाउनलोड किया होगा और मैंने उसको क्रेडिट नहीं दिया है तो वो मेरी गलती है. एंड दैट इज वॉट आई एम वर्किंग ऑन. इस वीडियो के बाद आई विल स्टार्ट अ प्रोसेस कि अपनी पुरानी वीडियोज में सब में जाके मैं चेक करूं कि मैंने क्या कॉपीराइट कंटेंट पोटेंशियल यूज कर सकता है एंड उसको क्रेडिट दूं. अगर मुझे नहीं पता ये क्रेडिट किसको देना है तो मैं वहां पे अनआइडेंटिफाइड भी लिख सकता हूं एंड दैट ऑल्सो इज अ वे टू एक्नॉलेज कि मे बी कोई ओरिजिनल क्रिएटर है, अगर किसी को पता चले तो तुम उसको क्रेडिट दे दोगे. बिकॉज फ्रेंकली दैट इज द राइट थिंग टू डू यार. ये कॉपीराइट का सीन काफी इंपॉर्टेंट है एंड अल्टीमेटली इन द एज ऑफ इंटरनेट आराम से ट्रेस हो जाता है. जो ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन होती है ना, इनके कंटेंट पे कंटेंट आईडी लगता है. तो मैं देखा होगा अगर तुम्हारी किसी वीडियो पे कॉपीराइट आता है तो वो कहते हैं ये कंटेंट आईडी क्लेम है, विच मींस कि टी सीरीज जैसी कंपनीज जो अपने सारे गाने डालती है ना, यूट्यूब का एक सिस्टम होता है जहां पे वो गाना टैग हो जाता है कि ये इस कंपनी का, इस फिल्म का या इस चीज का गाना है. एंड अगर ये कहीं से भी मैच भी आ जाता है ना तो वो उस पर वो क्लेम लगा देते हैं, उनका सारा रेवेन्यू वहां चला जाता है. यू कैन अवॉइड दीज थिंग्स बाय नॉट यूजिंग देम एट ऑल. टी सीरीज को तुम क्रेडिट दोगे उसके बाद ही वो नहीं मानने वाले हैं. मैंने एक वीडियो बनाया था ऋतिक रोशन कंगना वाली कंट्रोवर्सी पे, उस पर मैंने रिपब्लिक टीवी का इंटरव्यू का एक 10 सेकंड का क्लिप यूज करा था. उसके लिए मेरे चैनल पे कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया था, कंटेंट स्ट्राइक आ गया था. 3 महीने तक
मैंने चीज़ें बनानी बंद कर दी थी, उस तरीके की मैंने यूज़ करना बंद कर दिया था, बिकॉज आई न्यू कि अगर एक दो स्ट्राइक और आ गए तो मेरा चैनल गायब हो जाएगा. इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ एंड फ्रेंकली द ओनली वे फॉर अस टू अवॉइड फॉलिंग इन टू ऑल ऑफ दिस ड्रामा इज टू नॉट यूज इट एट ऑल. ऑफकोर्स अगर अनफेयरली तुम पे कोई कॉपीराइट लगा था तो तुम उसको लड़ सकते हो, एंड यू हैव यूट्यूब हैज़ प्रोवाइडेड यू विद सर्टेन मींस कि तुम कोर्ट में जाकर लड़ सकते हो, तुम अपील कर सकते हो, हज़ार चीज़ें कर सकते हो. बट इस वीडियो का अगर कंक्लूजन मैं तुम्हें देना चाहूँ तो बस यही है कि एज अ क्रिएटर, एज एन इंडिपेंडेंट क्रिएटर, we need to support each other as a community, we need to give credit to each other's work, we need to give credit to each other's creativity, and agar koi bada corporation humko aise koi bow down karne ki koshish kare to we have to come together and try and get them to do the right thing. And that's it for this video. Thank you so much for watching it till the end. I hope this video se tumko kuch seekhne ko mila ho, tumko kuch awareness aaya ho. Tag T series in your tweet, share this video, share Ritviz ki story share karo, aur jitne bhi log baat kar rahe hain unka content bhi share karo, taki at least T series ko the win in this case, in this Ritviz was a T series case specifically, iski T series accept kar le and usko thoda royalty pay kar de, kuch bhi jo bhi whatever the agreement that he has, whatever things that he has, at least usko wo mil jaye, and that can only be done if the community speaks up. And again, if Ritviz, you're watching this video, thank you so much for watching. Ultimately, I love your music and I thought I have at least a small or decent amount of audience which I can speak about this to. So that's it for this one. I hope you get your royalty and to everyone watching, thank you so much for watching it till the end. I hope tumhe seekhne ko mila ho. I come up with a lot of videos like this, movie reviews, TV shows, kafi kuch karta hu. My channel check out kar dena if you're new here. And thank you so much for watching it till the end. I will see you in the next one. Goodbye.